दुश्मनी तो चीन नाल भी है, चीन भी साढ़े मुल्क के अंदर तक आया होया, पर चीन नाल सारा ट्रेड चल रहा है। जितों तक पाकिस्तान नाल ट्रेड बंद करन दी गल हैगी आ, जे अडानी की जिहड़ी मुंद्रा बंदरगाह हैगी गुजरात की, जे उत्थों हो सकता व्यापार तो सड़की रस्ते राही क्यों नहीं हो सकता। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਪਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫਰਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ? ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਆ? जे ये नुकसान सैनी वाला वाघा बार्डर बंद करने अडानी होंदा तो ये रस्ता बंद ना कर दे, इहदा नुकसान क्योंकि छोटे तो जिहड़ा मिडल क्लास लोग ने उन्हां नूं हो रहा, इस करके ट्रेड जिहड़ा बंद आ उह कीता होया। इस करके उह हुण भी व्यापार तां कर रही है पर अडानी दी बंदरगाह राहीं कर रही आ। भारत पाकिस्तान व्यापार जिहड़ा पिछले लंबे समय तो बंद पिया है, उसनूं खोलण वास्ते हुण किसान जथेबंदियां अगे आईया ने, तो उन्होंने वालों अज एक मंग रखी गई है कि इस व्यापार में छेती खोलिया जाए। तो इस लैके उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मनी तो संघर्ष भी बड़े व्डे तरीके किए जाएंगे। साढ़े नाल किसान आगू, नौजवान किसान आगू मौजूद ने, तो इन्होंने अज असी एक बड़ी अच्छी चर्चा करांगे। सरकार के भी कुछ तथ्य जिहड़े ने भी रखांगे, किसानों के भी तथ्य रखांगे और सूबे की आर्थिकता वास्ते भी गलबात करांगे। सब तो पहले असी शुरुआत करते हैं मैडम, सरकार का एक बहुत क्लीयर कट फलसफा, वो कहती पाकिस्तान तो बहुत बड़ा खतरा, उतों नारकोटिक्स आते हैं, पुलवामा ते हमला किया, साडे जवान शहीद होए, तो इस करके जरा है असी व्यापार भी बंद नहीं किया, 200% की ड्यूटी लगाई है। अज असी किरती किसान यूनियन वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस इसे विषय में लैके कर रहे हैं कि इंडो पाक जो ट्रेड आ वह खोलिया जाना चाहिए। वह कारण जो तुम सवाल किया कि सरकार ये पेश करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान रखे अपने, क्योंकि व्यापार बेशक चल रहा पर अडानी की बंदरगाह राही चल रहा जिसे करोड़ों रुपए तक खर्चे जा रहे हैं, पर जोड़ा ये व्यापार से पहला भी चल रहा है पाकिस्तान के नाल सड़की आवाजाई राही जोड़ा कि बंद कर दिता गया, जिद बहुत सारे लोगों का नुकसान होया, खास करके ट्रैक ओपरेटर व्यापारियों का, इस तो इलावा मजदूर वर्ग जिन्हें लोगों को काम मिला सारे का नुकसान हो रहा, और इस करके इस व्यापार में जोड़ा खोलिया जाना चाहिए। जे सरकार कहती देश की सुरक्षा जरूरी है, पाकिस्तान तो नारकोटिक्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, वो तो किवें बचाव किया जाए? पुलवामा हमला किया पाकिस्तान का नाम से, इस करके जरा इस बंद किया। पुलवामा की तो जाँच अज तक मुकम्मल ही नहीं हुई जी, गल तो यह भी हैगी है कि पुलवामा हमला होया कि करवाया गया, मतलब एक विचार तो यह भी है ना। दूसरी गल, जितों तक दुश्मनी तो चीन नाल भी है, चीन भी साढ़े मुल्क के अंदर तक आया होया, पर चीन नाल सारा ट्रेड चल रहा है। जितों तक पाकिस्तान नाल ट्रेड बंद करने की गल हैगी, जे अडानी की जिहड़ी मुंद्रा बंदरगाह हैगी गुजरात की, जी उत्थों हो सकता व्यापार तो सड़की रस्ते राही क्यों नहीं हो सकता गा? बंद तो किया नहीं, 200% टैक्स ही लाया, उन्होंने घटाना चाहिए। जे WTO दे आउण तो बाद इन्होंने साढ़े इतने किसान कहिंदे आ भी साढ़े कोल दुध वाधू आ, दुध बाहरों मंगा रहे, अनाज वाधू अनाज बाहरों मंगा रहे। जे ये बाहर दीआं कंपनियां नूं फायदा देण वास्ते, तुसीं ये देखो कि पिछले साल पंजाब सरकार ने कहा कि तुसीं मूंगी बीजो, असीं तुहानूं MSP देवांगे। पंजाब अपनी 92% दाल खाण वास्ते बाहरों मंगाउंदा, पंजाब दे इक समें 32 लाख हैक्टेयर जिहड़ी सी ओह दाल दी खेती हुंदी रही, 1 लाख हैक्टेयर अज खेती जिहड़ी ओह नहीं हो रहीगी। जे पंजाब दे विच जदों किसानां ने मूंगी पैदा की, कहिंदे कि तुसीं 5 एकड़ तो वध थोड़ी जिहड़ी आ मूंगी असीं खरीदनी नहीं गी। दूसरे पासे मैं गल उही कर रहा ना कि दूजे पासे कैनेडा तों 75,000 करोड़ दीआं दालां जिहड़ियां हर साल मंगाईआं जांदीआं ने, की ट्रूडो की फर्द देखदे आ इह? जे ट्रूडो ते जिहड़ी शर्त लागू नहीं, कनेडा ते जिहड़ी शर्त लागू नहीं, उह पंजाब दे किसान ते लागू क्यों आ? गल ये हैगी कि जिहड़ियां उह शर्तां लाईआं जा रहीआं ने उहदा जे नुकसान साडी इकोनमी नूं हो रहा हैगा, साडी किसानी नूं हो रहा, साडी जिहड़ी इत्थों दी छोटी इंडस्ट्री हो रही आ, पंजाब नूं नुकसान हो रहा, इस तरह दीआं सरकार नूं शर्तां लाउण दी जरूरत क्यों आ? असीं तां इही कहिंदे आ ना कि उहने पुलवामा दा बहाना बणाया, जिहड़ा मर्जी बहाना बणाया, जिवें हुण जदों कहिंदे सिर दर्द करता होवे ते सिर नूं वढ नहीं देईदा हुंदा, सिर दर्द दा इलाज करना चाहीदा हैगा। जे तुहानूं मुश्किल हैगी आ, हुण इन्नी टैक्नीक आ गई आ, इन्नी टैक्नीक आ गई आ कि सारा कुछ पड़ताल हो सकता भी साडा जिहड़ी ट्रांसपोर्ट उधर जा रही है जां इधर आ रही, उहदे विच की आ रहा हैगा, ठीक है? इन्नी टैक्नीक दा अडानी नाल व्यापार हुंदा उत्थे, उस नूं किवें सहमति मिल जांदी? ओह इस करके क्योंकि सरकार उहनां दी आ। तुसीं हुणे देखो
कि उतों जो अडानी की बंदरगाह तो हैरोइन फड़ी जाती है कई हज़ार करोड़ की, उत्त तो कोई कार्रवाई नहीं होंगी गी। तो जे हुण अडानी दे वास्ते तीन फार्म लॉ लियांदे जा रहे हैं, ये तो हुण क्लीयर हो गया ना, ये तो जिहड़ा हुण रिकॉर्ड आ गई ना गल पिछले हफ्ते, ठीक है। जे उन्हां वास्ते तीन फार्म लॉ लियांदे जा सकदे हैगे आ, तो फिर आम पंजाबी वास्ते, आम नॉर्थ इंडिया दे वास्ते आर्थिकता वास्ते ट्रेड क्यों नहीं खोलिया जा सकता? मिलेगा अगर भारत पाकिस्तान का ट्रेड होंगे तो कौड़ी इकोनमी कम्यूनिटी जी है पाकिस्तान आदान प्रदान हो? देखो तीनों तरह की साडा रुजगार, मैं क्रेड की एक स्टडी आ, ईवन के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इकनोमिक्स डिपार्टमेंट च इंडो पाक ट्रेड जरा सड़की रस्ते तो बकायदा पी एच डी हुई है, डॉक्टर रणजीत सिंह घूमण इतने प्रोफेसर ने हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के दे कि जी क्रेड की स्टडी उन्होंने 30 पिंड की स्टडी की अटारी दया की कि उत्थे कहिंदे मजदूरां दे घर पक्के पए, उन्हां दे घरां च वी मोटरसाइकल आए, वो बच्चों नूं चंगे स्कूलों के पढ़ाउण लगे, इंपलायमेंट जिहड़ी सी इन्नी जनरेट हुई। अटारी जिहड़ी ट्रक यूनियन सी उहदे नाल 1000 ट्रक जिहड़ा सी उह रजिस्टर्ड सी, और वह 750 ट्रक विक गया, वह जिहड़ा सी ट्रेड वह बंद होण तों बाद। अमृतसर के कई हज़ार करोड़ का तो काले जो पाकिस्तानी लूण का ही व्यापार सीगा, बहुत सारे व्यापारी वर्ग जुड़े। बिल्कुल जी, जिनी साड़ी समाल के स्केल इंडस्ट्री सी, खेती बाड़ी मशीनरी जिहड़ी बनती सीगी, जिन्ना ट्रकां दी बॉडी बिल्डिंग का काम चलता सीगा, पंजाब दा जिहड़ा किसान सब्जी पैदा करता सी, वो सारे नूं जिहड़ा वड्डी पद्धर ते घाटा पिया हैगा। इस करके पंजाब दी समुची इकोनमी जिहड़ी हैगी आ उह उहदे च सुधार जिहड़ा हैगा उह आ सकदा। ईवन कि साडी होटल इंडस्ट्री नूं, इत्थों दे जिहड़ा छोटा ट्रेडर हैगा उहनूं, जे इह नुकसान सैनी वाला वाघा बार्डर बंद करन ते अडानी नूं हुंदा ते इह रस्ता बंद ना करदे, इहदा नुकसान क्योंकि छोटे ते जिहड़ा मिडल क्लास लोग ने उन्हां नूं हो रहा, इस करके ट्रेड जिहड़ा बंद आ उह कीता होया। तां हुण तुहाडी मंग की है ते की तुसीं इहदे कोई अंदोलन भी करोगे? असीं 18 सितंबर नूं अटारी दे विच वड्डी कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं, उहदे च साडे माझे दे जिले ते कपूरथला जिहड़ा दुआबे दा जिला उह पार्टिसिपेशन करूगा। 20 सितंबर नूं असीं हुसैनी वाले दे विच वड्डी कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं, उहदे च मालवे दे उधरले जिले पार्टिसिपेट करनगे। इस तों इलावा 20 नूं ही पटियाला, नवांशहर, जलंधर, लुधियाना वह अपने पद्धर से जिला पद्धर जिहड़ियां कॉन्फ्रेंसां करनगियां कि भारत पाकिस्तान व्यापार जिहड़ा सैनी वाला वाघा बार्डर ही खोलिया जाए, ये असीं अंदोलन का जिहड़ा ऐलान आ उह कीता है। बिल्कुल, कुछ होर भी दोबारा गलबात करांगे। मैडम की समझदे हो कि इस व्यापार की की होगा, इहदे नाल की फायदा मिल सकदा और सरकार के संबंध के तर्क नूं किवें वेखदे? ये सब तो वध तां पंजाब की आर्थिकता जिहड़ा फायदा होगा, दूसरा ये जिन्ना कारोबार पहले ठप्प होया भावें वह ट्रकां दा सीगा चाहे वह लोगों की आर्थिकता का सीगा, ये पूरी आल ओवर जिनी पंजाब की आर्थिकता जिस बेस पर भी चल रही है, भावें वह होटल इंडस्ट्री आ, भावें वह जिन्हें भी संद बनते हैं उन्होंने सारे संबंधित आ, उन्होंने सारे फायदा होगा। पंजाब वास्ते क्यों है कि अडानी के थ्रू व्यापार हो सकता, पंजाब के थ्रू व्यापार नहीं हो सकता, इहदा इहदे पिछे की तुसीं तर्क समझदे हो? क्योंकि सेंटर सरकार हमेशा ही पंजाब तो लगातार जिहड़ा एक मतरेई मामला सलूक कर रही है, इस करके वह हुण भी व्यापारता कर रही है पर अडानी की बंदरगाह राहीं कर रही है, पर इत्थों जिहड़ा एक रस्ता जा रहा वा सड़की रस्ता जिहड़ा सस्ता भी पऊगा और उहनूं इह बंद कर रही है, क्योंकि पंजाब का मामला भी एक सेंटर जिहड़ा इहदे नाल एक दुश्मनी वाला भाव रख के भी उहनूं जिहड़ा लागू नहीं करना चाहुंदा, इस करके इहदे नाल इह सलूक कीता जा रहा। मैं ते गल कहणी इक सिल्क रूट भी जी, छोटी जी गल जी, बिल्कुल फरीद, मेरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट आ, फरीदकोट दे विच एक साडा दोस्त आ, वह खेतीबाड़ी मशीनरी का काम करता, वह कहिंदा जिहड़ा संद मेरा पाकिस्तान दे विच 49,000 का विकदा वह मैं 15,000 का दिंदा, वह वाया दुबई जांदा, जे वह वाया सैनी वाले जावे कहिंदा मैं 15,000 वाला 15,000 वाला 25 का वेच सकदा ते पाकिस्तान नूं वह 49 की थान पर 35 का मिल सकता, उधर के किसान को फायदा, मेरा फायदा तो सरकार का फायदा। तो अगर व्यापार होंगे तो देश की इकोनमी के विच भी जरा है टैक्स आएगी, वो भी सरकार को फायदा मिलेगा? बिल्कुल जी, फायदा होएगा ही, क्योंकि सरकार जी है कस्टम ड्यूटी मिलनी हैगी, GST किन्ने तरह के टैक्स जोड़े आ, हर थान पर सरकार टैक्स लाँदी है तो सरकार के खजाने के भी पैसा तो जो है वो आएगा। समझन बंद करना की तुसी इहदे पिछे की तर्क वेखदे हो? क्योंकि सरकार का तर्क तो मैं तुहानूं दस्सदा कि सरकार ने कहा कि नारको टैररिज्म है, पाकिस्तान एक डिस्टर्ब कंट्री है, साडे देश दे विच आतंक फैला रहा, तुसी किवें वेखदे हो बतौर किसान आगू? देखो इहदे च कारण हैगी कि सरकार जिहड़ी सेंटर गौरमेंट है जिहड़ी उह राष्ट्रवाद की एक सियासत कर रही हैगी है, असल दे विच राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद वह होना चाहिए जिहड़ा
कारपोरेट के खिलाफ होवे, विदेशी कंपनियों के खिलाफ होवे, ते अपनी मातृभूमि की गल करता होवे, राष्ट्रवाद अडानी की गल ना करता होवे कि इस मुल्क का जल जंगल जमीन सारा कुछ अडानी नूं वेच देना, यह राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद के नाते कूड़ तोलिया जा रहा है। राष्ट्रवाद जिहड़ा है फोका राष्ट्रवाद आ, इस करके वो लोगों के जो इशू आ उन्होंने अड्रैस करने की बजाय वो फेक इशू खड़ा करके जिवें पाकिस्तान नाल दुश्मनी वाली गल जिहड़ी हैगी आ, चाइना नाल भी हैगी, पर उधर ट्रेड चल रहा। पहला ईरान तो गैस पाइपलाइन तेल वाली पाइपलाइन लैनी नहीं सी, हुण बंदरगाह खोलण की जिहड़ी गल कर रहे हैगे आ, क्योंकि पहला न्यूक्लियर डील च इन्होंने कहता कि जो अमेरिका का दुश्मन हो साडा दुश्मन। इंडिया की सरकार नू अपने लोगों का हित वेखना चाहिए, ना कि किसी वड्डे मुल्क का हित वेखना चाहिए, तो ना किसी कारपोरेट घराने का हित वेखना। असी तो यो कहना चाहते हैं कि किरती किसान यूनियन वालों जो इनीशिएटिव लिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो पंजाब की जी इकोनमी है उन्होंने सपोर्ट कर सकता, तो पंजाब की जी किसानी है जी दिनों दिन थले रुड़ रही है उन्होंने यदि सपोर्ट हो सकती, तो इतने तर अमृतसर के इलाके जिहड़े किरती लोग जुड़े है इस काम नाल जां होटल इंडस्ट्री आ उन्हां सारिआं नूं इहदा फायदा हो सकदा। भाजी किसान नहीं की समझदे हो कि आम जिहड़े व्यापारी वर्ग वह भी इहदे नाल काफ़ी तुसीं समझदे हो कि आर्थिकता मजबूत होगी उन्हां दी, किसानी अगर छड़ के गल करिए। बिल्कुल जी, हुण सूती धागे दा काम तां किसान नहीं करदा गा, जदों ट्रेड बंद होया जिन्ना साडा ट्रेड सीगा मतलब भारत जो पाकिस्तान नूं चीज़ां जांदियां सी उहदा 99% जिहड़ा सी ट्रेड दा हिस्सा कल्ला सूती धागा सीगा, इस करके इहदा फायदा जिहड़ा समुचे लोकां नूं होणा। दूसरी गल जिहड़ी कई वारी इह होंदा कल्ले पंजाब नूं नहीं फायदा होणा, इहदा पूरे नॉर्थ इंडिया नूं फायदा होएगा, इत्थों न्यूट्री वगैरह आउंदी सब कुछ। बिल्कुल, हुण इत्थों तुसीं अडानी दी बंदरगाह तक समान लैके जाओ तो कित्थों तुहाडे कोले रस्ता हैगा, इत्थों कल्ला जिहड़ियां ट्रेड दीआं पॉसिबिलिटी ने उहदी स्टडी करनी चाहीदी है कि मिडल ईस्ट पूरे यूरोप तक जिहड़ा हैगा ट्रेड उह हो सकदा हैगा। सिल्क रूट वी कहा जांदा सी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल, तो सिल्क रूट की गल दोबारा आई है तो किसान हुण एक बार इकट्ठे हुए ने, तो इस बार किसानी फसलों लैके सूबे की आर्थिकता मजबूत करने वास्ते इकट्ठे हुए ने, जिस दे विच उन्हां वल्लों जिहड़ा है आख्या जा रहा है कि वह हुण जिहड़े भारत पाकिस्तान जिहड़ा इंडो पाक ट्रेड है उसनों खिलाउण वास्ते अगे आए ने। उन्होंने कहा कि सरकार उन्होंने शर्त मने तो जो टैक्सेशन है उसनों घटाया जाए ताकि जिहड़ा है भारत पाक व्यापार हो सके, अगर अडानी की पोर्ट से व्यापार हो सकता है तो इस पोर्ट से क्यों नहीं। तो फिलहाल वड्डे मामले के उत्ते किसान जिहड़े इकट्ठे हुए हैं, तो आने वाले समय के उन्होंने कहा कि वड्डी रैलियां कीतियां जाणगियां, तो सरकार नूं मजबूर किया जाएगा कि भारत पाकिस्तान व्यापार नूं खोलिया जाए। कैमरामैन अर्श दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।